Hello, bacha party. Once again, welcome back to my class. SSP, the finest and the easiest way to learn the concept. The channel where you can feel the physics and then you realize that you are in love with the subject. So this is Sunday class and this is all about love to series, bacha party. Yes, this series is all about you. Class 11 ke bhi bahut sare student ka comment aa chuka hai ki they want the kind of series for class 11. तो क्लास 11 को भी मेरा पूरे तरह से टारगेट बन चुका है कि मैं उसे भी अब लवजी में कन्वर्ट करूंगा, यानी बहुत ही जल्द आपको न्यूटन बाबा का ज्ञान भी मिलेगा. ठीक है, वैसे आज का जो क्लास है, दिस क्लास इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के एग्जाम में आता है, 101% आता है. सो वी विल डील विद इट्स कॉन्सेप्ट क्विक व्यू, एज आई हैव प्रॉमिस कि मैं लवजी के अंदर क्विक व्यू आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. अगर आपको डर लगता है, इफ यू आर रियली facing so many problems with the numericals of physics, so I think this series is for you, bacha party. Watch the video till the end. यही आपको कर रहा है, बस वीडियो को लास्ट तक देखो और उसके बाद छोटा सा रिक्वेस्ट है, हिट द लाइक बटन एज वेल एज प्रेस द रेड बटन, सो यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. फैमिली का हिस्सा बनने से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह अगर आप बनते हो तो एज अ फिजिक्स ट्यूटर आई विल ट्राई कि मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनूँ फिजिक्स को लेकर के. राइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास. बट बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास बच्चा पार्टी, वो टेलीग्राम वाली लिंक हाँ याद आ गई मुझे. डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम की एक लिंक दे रखी है. इट्स लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे लोगों को पता है बट कुछ लोगों को नहीं पता है. तो आप वहाँ पर जाकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हो. जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो के हम डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ, तो मैं आपको पोटेंशियल की भी डीपी भी प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशन. उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ग्राउंड स्टेट पर है तो वो सीधा एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा. और फिजिक्स तो यही होता है ना यार, प्रैक्टिस प्यार से, प्रैक्टिस प्यार से. जितना ज़्यादा प्यार से आप प्रैक्टिस फिजिक्स की करेंगे ना, आप फिजिक्स के उतना पास आएंगे. और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग ओनली रट्टाफिकेशन, तो आप फिजिक्स से बहुत दूर जा रहे हैं. एंड दिस इज द मेन मोटो ऑफ द चैनल, वी आर बिलीविंग इन एक्सेलेंस. हम एक्सेलेंस का पीछा करने वालों में से हैं और मैं यही चाहता हूं कि हमारे बच्चा पार्टी जितने भी यहां पर रेगुलर व्यूअर हैं वो सभी के सब एक्सेलेंस का पीछा करें. क्योंकि किसी बाबा ने कहा था कि अगर आप एक्सेलेंस का पीछा करते हो तो सक्सेस आपके पीछे आएगा, मार्क्स आपके पीछे आएगा. नो नीड टू फॉलो द मार्क्स. लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी. प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करो तो आपको लवजी सीरीज़ का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ, वो आपको मिल जाएगा. यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो टू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गॉस लॉ के ऊपर हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं. तो यार देखो, अगर गॉस लॉ को समझना है तो सबसे पहले हमें डील करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये फ्लक्स जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी क्वांटिटी. क्या आपके ये दिमाग में चल रहा है कि ऐसा वर्ड तो हमने पहले भी सुना है? अगर आपने अच्छे से स्टडी करा होगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी एक टर्म्स आया था जिसका मतलब था वॉल्यूम फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी. यहाँ पर भी फ्लक्स का मतलब क्वांटिटी है. दिस मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मतलब इलेक्ट्रिक की क्वांटिटी. बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में यहाँ पे ये जो पेन है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इमेजिन करूँ, प्लीज़ इमेजिन करिएगा, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन. मोहब्बत हो जाएगी आपको इससे सब्जेक्ट के साथ अगर आप इमेजिन करते हैं तो, रट्टा मत मारना. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने में से क्या निकालेगा? पानी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये अपने में से निकालेगा बहुत सारा EFL. दिस मीन्स, प्रीवियस क्लास में समझाया था, EFL मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन. हर जगह पर धड़ंग 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 हर जगह पर निकल रहा है. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो मेरे पास भी आ रही है, राइट? आपके साइड भी आ रही है, इस साइड भी आ रही है, इस साइड भी आ रही है. अब अगर मैंने यहाँ से उठाया अपना ये मस्त वाला S10 Plus, फ़ोन मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस फ़ोन के सरफेस के साथ आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हुआ. उसके बाद मैंने उठाया यस, ये समझ लीजिए इंक का जो है, जो भी है, बॉक्स डब्बा जो भी है, उसके साथ भी मैंने ये रखा, मतलब इसके जोन में लेकर के आया. तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी लिंक हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फोन के साथ भी लिंक हो रही है. बट क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं कि किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिकसिटी को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया इस फोन ने? इलेक्ट्रिकसिटी वर्ड अभी मत आ जाओ क्योंकि वो बहुत अलग हो जाएगा. क्या ऐसा समझ लीजिए कि झटका, इलेक्ट्रिक फील्ड का झटका किसने ज़्यादा महसूस करा? इस फोन ने करा या फिर इस वाले इंक बॉक्स ने करा? आपका जवाब क्या है? कमेंट करेंगे तो हम तो वीडियो ख़त्म होने के बाद रीड करेंगे ना. हाँ,
तो सीधा सा आंसर है कि सर ज़्यादा फील्ड लाइंस उस फोन के साथ लिंक होगा। क्या रीज़न हो सकता है? सिंपल सा रीज़न है कि सर उसका सरफेस काफ़ी बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, इसीलिए फील्ड लाइंस तो देखो निकल रही है उतनी ही। वो ये नहीं देखती है फील्ड लाइंस, देखो मैं फील करा रहा हूँ, बात को ध्यान से समझो। फील्ड लाइंस कभी भी ये नहीं सोचता कि सरफेस ये छोटा था, मैं छोटा सा जाऊँगा, मतलब मैं कम जाऊँगा, ना ही। अगर फील्ड लाइंस सॉरी सरफेस बड़ा है तो मैं बहुत ज़्यादा जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज से 10 फील्ड लाइंस निकलनी है तो वो 10 शांति से निकलेगा। इट डिपेंड्स कि आप रास्ते में क्या रख रहे हो, सरफेस छोटा है कि बड़ा है। हाँ, ये बहुत मैटर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को टच कर गई, उतना झटका उसको मिल गया, दैट इज फ्लक्स। यानी फ्लक्स में दो क्वांटिटी काम कर रही है, नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर टू इज वॉट, नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर टू इज वॉट, एरिया। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो दो तरह से याद रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द सर्फेस, या दूसरा इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया। अभी समझ में आएगा, समझते रहना, मैं समझाता हूँ कि क्यों स्केलर प्रोडक्ट आया। खैर, फाई इज इक्वल टू, मैंने लिखा भी है ई डॉट में ए, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है बीच में डॉट आता है, व्हेन यू रिमूव द डॉट यू विल यूज कॉस थीटा, एज यू कैन सी ई ए कॉस थीटा। ठीक, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि साइन क्यों नहीं आया, क्यों कॉस ही आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरे पास में एक सरफेस है, यही वाला सिचुएशन लेते हैं हम फिर से। ये एक सरफेस है और ये मैंने ऐसे रखा, मान लो कि ये जो नीचे का पार्ट है, इसके नीचे का पार्ट है वो है पॉजिटिव और ऊपर का जो पार्ट है वो है नेगेटिव। प्लीज़ इमेजिन करो, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है? ऐसे ढैन ढैन, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे निकल रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसमें मैंने इसको ऐसे रखा, ये सरफेस की एरिया कहाँ पे? एरिया याद रखिए, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। हमेशा अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसकी जो एरिया है ऐसे निकलेगी, अगर मैं नीचे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसकी एरिया से डाउनवर्ड जाएगी। 101% एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सर्फेस। सो इफ आई ऑब्जर्व कि अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए, फोन ना गिर जाए, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 की 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो गई ऐसे, फर्स्ट वाले सिचुएशन में, केस 1 में। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम किस में होगा? ई ए कॉस थीटा में होगा या ई ए साइन थीटा में होगा? मैक्सिमम के टाइम पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस सिचुएशन में एंगल है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और मैं चाहता हूँ थीटा 0 पे मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता चल रहा है 5 के 5 जो है इसके साथ कट हो रही है, इसके साथ लिंक हो रही है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए थीटा 0 है तो एक ही ऑप्शन है, कॉस 0, दैट इज गोइंग टू बी 1, बिकॉज इफ यू टेक साइन 0 दैट इज गोइंग टू बी 0। क्लियर हुई बात? हाँ। अब अगर मान लो इसी चीज़ को मैंने ऐसे रखा होता, हाँ ये ऐसे रखा होता, अब क्या हो रहा है कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देख रहे हैं आप, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबके सब ऐसे नहीं चलते हैं, उनके बीच में कुछ गैप होता है। तो अगर अब मैंने इसको ऐसे रखा है तो ये देखो ऐसे हो गया, मतलब कि कुछ ही फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ लिंक हो पा रही हैं, फ्यू फील्ड लाइंस विल लिंक। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं होगा, होगा, बट बहुत ही कम फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होगा। इसका क्या मतलब है कि इस सिचुएशन में एरिया इधर, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सरफेस है, एरिया इधर परपेंडिकुलर, या तो मेरे साइड परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। देखिए एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, और वी ऑल नो कि कॉस 90 में ही मिनिमम वैल्यू आता है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे रखने पर बहुत कम फ्लक्स मिलेगा, और ऐसे रखने में फ्लक्स क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो एक ही सिचुएशन है, 90 डिग्री पे मुझे क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। कॉस 90 ही क्या होता है? 0। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट है। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बच्चा फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो फ्लक्स आप ऐसे समझा सकते हो कि अगर आप खुद एक चार्ज हो तो आप में से निकल रहा है ढैन ढैन बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रोड के साथ लिंक कर रहा है, ट्रक के साथ लिंक कर रहा है, या इस विंडो के साथ कर रहा है, या इस सरफेस के साथ कर रहा है। डिपेंड करता है कितनी फील्ड लाइंस कितना काट रहे हैं, कितने के साथ टच कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अब कुछ नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात यह है कि व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फ्लक्स विल बी 0। अगर किसी बॉडी को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। जैसे ये एक सिलेंडर है,
ठीक है, ये सिलेंडर। अब इसमें तीन सरफेस है, एक तो ये क्रॉस सेक्शन, जैसे ये यार ये पेन देखो, ये क्रॉस सेक्शन, ये नहीं, ये कर्व सरफेस हुआ ये वाला नंबर थ्री। उसके बाद क्या, उसके बाद है हमारे पास में ये वाला क्रॉस सेक्शन आगे का पार्ट और ये वाला क्रॉस सेक्शन। तो नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है इस सिचुएशन में तो एरिया इस तरफ है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो इस सरफेस के लिए जो एरिया है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ इफ आई ऑब्जर्व फॉर द केस नंबर वन यहाँ पे इस सरफेस के लिए, सो एंगल कितना बनेगा, एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, तो उसके बीच में एंगल बना 180। एंड वी ऑल नो कि जैसे ही कॉस 180 रखता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ई ए। अब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं तो इसका एरिया इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है, और अगर एंगल 0 बनता है तो फाइ इज इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन अब अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो ऑब्जर्वर यहां होगा, उसके लिए तो एरिया ऐसे ही हुआ, ऑब्जर्वर अगर ऐसे देख रहा है तो एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो चल रही है ऐसे ही, तो अभी एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री बन गया, इसका क्या मतलब है कि जैसे यहां पर एंगल 90 डिग्री बनता है बच्चा पहाड़ी, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। नाउ इफ यू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स, तो फ्लक्स फ्रॉम द सर्फेस वन विच इज माइनस ई ए, फ्लक्स फ्रॉम द सर्फेस टू विच इज ई ए, एंड फ्लक्स फ्रॉम द सर्फेस इज ऑलरेडी 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो याद रखो कि कोई भी किसी भी तरह का शेप वाला बॉडी हो, अगर हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा उसका जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो जिस सर्फेस से एंट्री लेगा वहां पर तो माइनस हो जाएगा, और जिस सर्फेस से बाहर निकलेगा वहां पर क्या होगा, प्लस। देखिए सिचुएशन माइनस है प्लस है, ओवरऑल कितना हो गया, 0। क्लियर हुई बात, ग्रेट। तो ये सिचुएशन हमारी नेट फ्लक्स की इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। अब खैर ये तो फ्लक्स हमने समझ लिया कि फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए, बट एक सिचुएशन और भी याद रखो, अगर मेरे पास यहाँ लिखा भी है मैंने कि हियर फाइ विल बी द डी फाइ फॉर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनी सर्फेस, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सर्फेस है राइट, और इसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इसे रखा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इतने पार्ट का चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्योंकि ये तो स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या होगा, डी फाई, स्मॉल एलिमेंट के लिए डी फाई। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, व्हिच इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन डी ए, ई डॉट डी ए। और अगर हमें डी फाई से फाई पे जाना तो हम करते क्या, इंटीग्रेशन, तो डी फाई से आप कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या फिर बहुत जगह पर ये डी एस भी लिखा होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ई डॉट ए एंड देन ई डॉट डी ए फॉर द फ्लक्स। लेट अस सी बाबा गॉस का ज्ञान। बाबा गॉस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। लेकिन बाबा गॉस ने क्या बोला, बाबा गॉस ने कहा कि हम फ्लक्स को किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, कि हम फ्लक्स को किसी और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में क्लोज बॉडी है, बंद है, पूरी तरह से बंद है, और उसके अंदर चार्जेस अवेलेबल हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो सभी चार्ज का अल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मार्क माय सेंटेंस एंड नोट डाउन, अल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज पैक के अंदर ही, बाहर नहीं। चार्ज शुड बी इनसाइड द क्लोज पैक, इफ द चार्ज इज आउटसाइड ऑफ द क्लोज पैक इट फ्लक्स विल बी क्या, नहीं। मतलब कि ये कि अगर वो चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर है तो सिर्फ उसी से रिलेटेड ही गॉस लॉ है, लेकिन जो चार्ज बाहर है क्या उसका फ्लक्स 0 होगा, मतलब उससे रिलेटेड फ्लक्स मिलेगा, इस चीज़ पे मैं आता हूँ। बट पहले स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई भी क्लोज पैक है, इफ़ वी हैव अ क्लोज बॉडी देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितने भी चार्ज है सबको प्लस कर दो, अगर प्लस 2 कूलम है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है, सबका अल्जेब्रिक सम किया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमें दे देगा फ्लक्स, और फ्लक्स का पहले से ही फॉर्मूला ई डॉट डी ए। तो ये बाबा का ज्ञान। अब जरा दिमाग लगाइए, एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बड़ी इच्छा होती है जब भी ऑफलाइन क्लास में लेते हैं लेक्चर तो हम लोग भी ऐसे पूछते रहते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, हाथ ही सही कर लेते हैं, ठीक है भाई यार, ये ओके। तो बच्चा पार्टी, जैसे ये क्लोज बॉडी है, अब यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, जरा सोचिए कि इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है
वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई इंटू ए, ई डॉट ए, एंड वॉट इज ई, एलिफेंट, नहीं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से निकलता है. तो यार आप कह रहे हो कि इसका फ्लक्स जब हम देखेंगे तो बाबा ने कहा कि सिर्फ जो एसोसिएटेड चार्ज है जो कि उसके अंदर है सिर्फ आप उसी को करो, बाहर वाले को मत करो. तो ये तो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है ज्ञान का. कहने का मतलब कि फिर वो कॉन्सेप्ट का क्या जिसने कहा था कि सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा. तो यार ये भी तो एक तरह का सिस्टम है ना, इसने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो ये भी तो बना रहा है, चार्ज Q2 भी बना रहा है. लेकिन चार्ज Q2 से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो यूनिफॉर्म मान ली जाती है और यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है. यानी अगर यहाँ से एंट्री लिया तो इस सरफेस पे फ्लक्स माइनस फाइव, बिल्कुल इसके जैसा, और यहाँ से बाहर निकला तो इस सरफेस पे प्लस फाइव. यानी इस चार्ज की वजह से इस पर कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा. इसीलिए बाबा का ये जो ज्ञान है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज बॉडीज, इनसाइड चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही है. तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ये देखना है कि कितने चार्ज पार्टिकल अंदर है. आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इफ़ द पॉइंट चार्ज इज जस्ट आउटसाइड ऑफ द क्लोज बॉडी व्हाट विल बी द फ्लक्स, जीरो. उससे कोई लेना देना नहीं. यू हैव टू कंसिडर ओनली द इनसाइड चार्जेस फॉर द एनी क्लोज लूप. एम आई क्लियर? वेल डन. ठीक है बच्चा पार्टी, अब आगे आ जाइए. अब बाबा का ये जो ज्ञान है कि ओपन अप्सिलॉन नॉट किसी जगह पर अप्लाई कर देते हैं, जैसे फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर. ये रहा स्फीयर मेरे पास में, स्फेरिकल मान लीजिए, होलो स्फीयर मान लीजिए, और यहां पर सेंटर पे एक चार्ज मेरे पास क्यू है. माता श्री ज्यादा खिला दी क्या भाई? यहां पे चार्ज क्यू है और उसके बाद ये जो रेडियस है वो है स्मॉल आर. हाँ, अब अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं बच्चा पार्टी, वो वाला पॉइंट इधर, तो इसकी एरिया किधर, तुम्हारे साइड मेरे साइड? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो फिर एरिया ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी. मानते हो इस बात को? ये स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने dA, छोटा सा पार्ट, इसलिए फ्लक्स भी छोटू सा, d5 से फाइव पे आ गया तो इंटीग्रेशन ई डॉट dA. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? के क्यू बाई आर स्क्वायर. बायो वाले बच्चा लोग खास ध्यान से, जहाँ पर प्रॉब्लम हो कमेंट करना यार, स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा मैं कि मैथमेटिकल में जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है. कम से कम हमको चाहिए 50 कमेंट, 50 लाइक, इतना भी कर दो धड़ 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 एक ही कमेंट पे, तो मैं समझ जाऊंगा आपको चाहिए वीडियो, तो फिर तुरंत मिल जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर. ये बच्चा डॉट को हटाया तो क्या आया? कॉस थीटा. थीटा जीरो होगा ना, क्यों, कैसे पता चला मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एडेंटेड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा जीरो हो गया. फिर डी ए, अब देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, डी ए का आंसर एरिया, जैसे डी एक्स का आंसर है एक्स, वैसे डी ए का आंसर एरिया, दैट इज 4πr², ये ना 4πr², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया. और के होता क्या है? के होता है 1/4πε0, 4π से 4π कट गया, आंसर क्या आ गया? q/ε0. यानी कि अगर एक स्फेरिकल चार्ज में यहाँ पे स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज था तो q/ε0 है. तो कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया आपके पास क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज है वो सभी जगह पर अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो चार्ज का सम करो, अल्जेब्रिक सम, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, डिवाइडेड बाई ε0, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट. यस बच्चा पार्टी, लेट अस सी द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस गॉस लॉ. देखिए इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ये ध्यान से समझा तो आपको मजा आएगा. पहला सवाल देखिए, मैं ऐसा पूछ रहा हूं कि एक हेमीस्फीयर है, ऐसे हेमीस्फीयर, और वो हेमीस्फीयर के ठीक नीचे एक चार्ज है, ऐसे इधर एक चार्ज है, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? सिंपल सा बात है, बाबा ने कहा कि अंदर जितना चार्ज हो उतना ही फ्लक्स मिलता है. तो यार यहाँ पर अगर ये कोई भी क्लोज बॉडी हो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए. क्लोज बॉडी के अंदर फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ चार्ज कितना हो गया? जीरो. और अगर ये आपके दिमाग में चले कि सर फिर वो फॉर्मूले का क्या, कि फाई बराबर ई डॉट में ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना तो रहा है, तो ये बच्चा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ जा रहा है. अगर इस पॉइंट की बात करेगा तो माइनस में फ्लक्स आएगा, और इधर बात करेगा तो प्लस में आएगा. यानी नेट फ्लक्स कितना होगा? जो बाहर होगा उससे रिलेटेड क्या होता है? जीरो. बड़ा बढ़िया डायग्राम बन गया. दूसरा वाला जो है बच्चा पार्टी, वो देखो चार्ज जो है वो अंदर है,
हेमिस्फीयर के अंदर चार्ज है, तो इसका आंसर क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। इसमें देखिए क्या है कि वो जो चार्ज पार्टिकल था ना, वो चार्ज पार्टिकल इनसाइड नहीं है, बट इट इज केप्ड ऑन द सरफेस, एज जो था आपका हेमिस्फीयर उसके एज पर रखा है, जो कि स्फेरिकल है, नीचे से कटा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर चार्ज रखा है, तो अब तो ये क्लोज है नहीं, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, सिमेट्री आपको सोचनी पड़ती है। सिमेट्री का मतलब होता है, आप इमेजिन करो कि अगर नीचे से भी ऐसा ही एक अगर ऐसा होता स्फीयर, हाफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो वो चार्ज फिर इनसाइड हो जाता, तब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होता, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि ये रियल में तो नीचे वाला है नहीं, ये ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सच में फाइव बाई टू है, सच में, हाँ, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। क्योंकि ये चार्ज से जितना फ्लक्स ऊपर है उतना ही फ्लक्स कहाँ होगा, नीचे, इसलिए फाइव इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो फाइव आया वो क्या हो गया, फाइव बाई टू न्यू फ्लक्स, दैट इज क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर फोर में ऐसा दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दिया है, टू न्यूटन पर कूलम आई कैप, सॉरी टू आई कैप माइनस फोर जे कैप न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टू है, और दूसरा बताता है कि वाई डायरेक्शन में है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 4 है, बट मैंने वर्ड यूज करा यूनिफॉर्म, तो इस क्यूब से रिलेटेड जो भी फ्लक्स होगा वो जीरो ही आएगा, 101%। क्यों जीरो आएगा, तो देखो जरा, देखो ये फ्लक्स ऐसे आ रहा है, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसके लिए ऐसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एरिया ऐसे, तो माइनस फाइव। नीचे वाले सरफेस के लिए आप ऑब्जर्वेशन नीचे से कर रहे हो, एरिया भी नीचे है, थीटा जीरो, तो प्लस फाइव। बाकी उस वाई के लिए ये और ये तो जीरो देगा ना, क्योंकि ये फ्लक्स ऐसा है, मतलब सरफेस ऐसा है, ये साइड वाला पार्ट, तो एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी नीचे है, तो एंगल 90 बन गया। आपको फ्लक्स मिलता वहीं पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल या तो जीरो मिले या तो एंगल 180 मिले, बाकी हर जगह पर क्या होता है, जीरो होता है, तो फ्लक्स जीरो ही होगा। अब इसी तरह से आप एक्स के लिए सोच लीजिए, एक्स के लिए मुझे यहां पर मिल सकता है एंगल जीरो और जो पीछे की तरफ है उसके लिए एंगल मिल सकता है 180। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और एरिया इधर चली गई, हमें कैसे पता चलता है कि एरिया, मैंने कहा ना सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स योर आई साइड, आप यहाँ खड़े हैं और आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस साइड, तो एंगल 180 होगा, इसलिए फ्लक्स इससे रिलेटेड क्या होगा, जीरो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्लक्स फॉर अ क्यूब। मान लीजिए कि अगर एक इस तरह से क्यूब है और उसके अंदर बच्चा हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, अंदर रखा, तो इससे एसोसिएटेड, इस क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन यही चीज अगर पूछा जाए कि फेस से रिलेटेड कितना फ्लक्स होगा, यानी ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का कितना हुआ या ये वाले पार्ट का कितना हुआ, तो आप काउंट करो कि ऐसे टोटल कितने फेसेस हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिख रहा है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, और बचा कौन सा, फ्रंट में मेरे साइड और बैक में, तो इसका रिलेटेड हो गया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही ऐसा बोल दे फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉर्नर्स, इससे कितना निकल रहा है, इससे कितना, इससे कितना, इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल है, वो हर जगह पर जाएगा, तो एक कॉर्नर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, क्योंकि ये सिमेट्री है, यहां पे टोटल आप काउंट करोगे तो टोटल 12 कॉर्नर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, गलत बोला मैंने, तो यहां पे आंसर आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कॉर्नर से रिलेटेड कितना होगा, ये तो कॉर्नर मैंने बोल दिया, ये साइड, ऐसे साइड फेस के जो साइड है ऐसे कितने, तो इससे अगर मैं साइड लिख दूं तो ऐसे टोटल कितने साइड है, 12, इसलिए क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, राइट। लेकिन अगर बच्चा यही बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर ये हमारा चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल यहां पर कहीं पर कोने में है, द चार्ज पार्टिकल इज एट द कॉर्नर, एट एनी कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, तो क्या आप यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ,
क्या आंसर है इसका? बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि फिर वो चार्ज है ना एनक्लोज्ड नहीं है। हमने क्या सीखा है कि चार्ज पार्टिकल अगर एनक्लोज है तो ही वी कैन अप्लाई गॉस लॉ, अदरवाइज वी कांट अप्लाई गॉस लॉ। तो करना क्या होगा, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे आपने यहां इमेजिन करा कि इसके ठीक ऊपर और फिर ठीक नीचे तो पूरा फ्लक्स फाइव बाई टू हो गया, वैसे आप इमेजिन करो कि उसे मुझे पैक करने के लिए और कितने कॉर्नर्स और कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो पीछे की तरफ एक आएगा, वन टू हो गया, एक ये जो आपको दिख रहा है एक पीछे के साइड, फिर एक इस साइड, वैसे ही उसी के जैसा पीछे भी। तो इसे कवर करने के लिए मुझे एक पीछे रखना पड़ा, एक ऐसे रखना पड़ा, एक ऐसे रखना पड़ा, लेकिन अभी भी कवर नहीं हुआ है वो, क्योंकि साइड से तो कवर हो गया नीचे से, अभी ऊपर से बाकी है। तो जैसे नीचे फोर है वैसे ऊपर भी फोर क्यूब्स आएंगे इस तरह से, ऐसे एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे के साइड, तब जाके वो जो क्यूब फोर क्यू चार्ज है वो पूरी तरह से एनक्लोज हो जाएगा। इसे इमेजिन करिएगा अच्छे से, ये चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज करने के लिए हमने इसके जो दिख रहा है उसके ठीक पीछे रखा, साइड में रखा, इसके ठीक साइड में और ठीक उसके साइड में, चार नीचे हो गए चार ऊपर। तो अब इससे रिलेटेड कितना होगा, तो फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल कितने क्यूब हो गए, फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब। इस क्वेश्चन में जब अगर चार्ज कॉर्नर कॉर्नर्स, चार्ज पार्टिकल कॉर्नर्स पे है, सो दैट इज क्यू अपॉन एट, क्योंकि टोटल कितने क्यूब हो गए, एट, इसीलिए आंसर आएगा क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर अच्छे से, धन्यवाद। अगर आ गया अच्छे से तो कमेंट करिएगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आ रहा है राइट। आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आते हैं, फिर चर्चा करते हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लेंथ ऑफ चार्ज्ड वायर, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बाकी तो ये लवजी सीरीज है, क्विक व्यू है, तो फटाफट मैंने कर रखा है, फिर भी आपके लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट ही है। आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक वायर है इनफिनिट लेंथ का, इसलिए शेड डॉट डॉट करा है, और ये चार्ज्ड है यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पर सपोज मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैंने वो पॉइंट कंसिडर करा, वैसे ही इतने डिस्टेंस पे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। अगर मैं सारे पॉइंट को मिला दूँ तो मुझे एक क्लोज सिलेंड्रिकल सर्फेस मिलेगा, और क्लोज सर्फेस मुझे लेना भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है, और गॉस लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा सर्फेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, क्योंकि एक वायर होता है और वायर सिलेंड्रिकल जैसा ही होता है, इससे सिलेंड्रिकल सर्फेस बनेगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, तीन तरह का। एक लाइन में हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस में हो तो उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसमें चार्ज अपॉन एरिया होता है, और एक होता है वॉल्यूम में जिसे हम क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा फॉर्मूला है, दैट इज क्यू बाय एल, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, यही क्यू यहां से लेके यहां तक का टोटल चार्ज है लैम्डा इनटू एल। अब मैंने गॉस लॉ अप्लाई करा विच इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट को हम हटाते हैं तो कॉस जीरो आएगा। सवाल यहां पे ये उठता है बच्चा पार्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है इस डायरेक्शन में, ऐसे है इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर नहीं है, इधर नहीं है, क्योंकि वो तो वायर का एक्सिस है। तो अगर हम बड़े ध्यान से समझें तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसकी एरिया ऊपर की तरफ क्योंकि वो ऐसे है, तो एरिया ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस साइड है या तो इस साइड है। एंगल कितना बन गया 90, और हम सब जानते हैं cos 90 कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, देयर विल बी नो फ्लक्स। उसी तरह से अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो यहां पर भी cos 90 होगा और उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 यहां पर भी क्या होगा, जीरो। लेकिन हमें फ्लक्स कहां मिलेगा, हमें फ्लक्स मिलेगा ये वाले कर्व सेक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हाँ मेरे पास ये वाटर बॉटल है, देखिए ये सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरह से था, तो वायर इसके बीच में से गया हुआ है, ये सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या तो इधर है या तो इधर है या तो इस साइड है, नीचे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया इधर है, एंगल 90, तो फ्लक्स जीरो। ऐसे नीचे एरिया नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एंगल 90, जीरो। बट ये जो आप कर्व सरफेस देख रहे हैं, अब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो एरिया इधर जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है, एंगल कितना बना 90, सॉरी थीटा 0 हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया थीटा 0, इधर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया थीटा 0. तो कर्व सरफेस पे हमेशा थीटा 0 बन रहा है, इसलिए इसमें तीन सरफेस है, फर्स्ट सेकेंड और ये कर्व सरफेस थर्ड, मिलता सिर्फ कर्व सरफेस पे है और थीटा 0 हो जाता है. बीच में मैंने कहा है क्विक व्यू है, इसीलिए जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसे नोट करते जाना. बाकी सारी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरी इसी टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा. ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत डिटेल में भी है. तो बच्चा कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1. EDA लैम्डा इनटू L यहाँ से आ गया. सिग्मा क्यू का मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपका लैम्डा इनटू L है. DA मतलब एरिया, एरिया किसका आपका, मेरा नहीं, लेकिन इस सिलेंडर का, सिलेंडर का एरिया होता है 2πRH. H इज व्हाट बेसिकली हाइट और लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2πε0 एंड देन R. और अब अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया तो फाइनली मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2K λ डिवाइड बाई R. देखिए क्योंकि 1/4πε0 क्या होता है K, तो आंसर आ गया 2K λ/R. बच्चा इसका है ना एक बहुत ज़बरदस्त एक और एक फॉर्मेट है. अगर आपका वायर जो है वो इन्फाइनेट लेंथ का है, वायर अगर इन्फाइनेट लेंथ का है तो ही ये फॉर्मूला आता है. लेकिन अगर मान लो वायर फिक्स लेंथ का हो गया, फिक्स लेंथ का हो गया तब क्या, तब इसके लिए ट्रिक है. ट्रिक ये है कि आपका एंड से एक लाइन खींचो थीटा 1, यहाँ से एक लाइन खींचो थीटा 2, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो मान लिया कि हमने वो कितना है R. देखिए बिना डेरिवेशन करे भी आप इसको समझ पाओगे कैसे. इसका जो इक्वेशन है वो मैंने लिखा कि λ/R sin थीटा 1 + sin थीटा 2. क्या ये सही है? सही बिल्कुल है. कैसे पता चला मुझे? अगर ये वाली एंडिंग इन्फाइनाइट होती तो ये ऐसे जाती और ऊपर चली जाती है ना, यहाँ चली जाती. अगर ये ऐसे जाती तो फिर ये वाला लाइन भी ऐसे एक्सपांड होता, ये यहाँ पर पकड़ लेता इसको. अगर ये यहाँ होता तो ये लाइन ऐसे जाता. धीरे धीरे थीटा 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बढ़ते बढ़ते अगर ये बोर्ड के बाहर चला गया, ये ऐसे हो गया, तो ये एंगल भी उसको पकड़ने के लिए ऐसे हो जाएगा. तब थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री. यानी अगर इस साइड से इन्फिनाइट है तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. उसी तरह से ये भी अगर इन्फिनिटी पे चला जाए तो ये वाला लाइन भी ऐसे हो जाएगा इसे पकड़ने के लिए, इसके एंड को पकड़ने के लिए. तो थीटा 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री. एंड वी नो कि साइन 90 प्लस साइन 90 विल बी 1 + 1, 2. और 2 रखते ही आपका आंसर यही वाला हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट लव फ्रॉम फिजिक्स. अगर ध्यान से समझोगे तो मजा आ जाएगा. तो अगर फिक्स लेंथ का वायर है यू कैन यूज दिस इक्वेशन, अगर इन्फिनिट लेंथ का वायर है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन. बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट या फिर प्लेन की. चार्ज शीट या प्लेन की वजह से अगर हमें फ्लक्स निकालना, तो पहले समझिए ये रहा मेरे पास में शीट, यानी कि ऐसा एक सर्फेस है उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स है. तो उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वी हैव टू यूज गाउस लॉ. गाउस लॉ में क्या होता है, क्लोज सर्फेस होनी चाहिए. तो हमने इस पॉइंट के जैसा ही एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करा, लाइन खींचा, यहाँ भी कंसिडर करा, यहाँ भी कंसिडर करा, और उसका सभी पॉइंट को मिलाने पे हमें एक क्लोज गाउसियन सरफेस मिल गया. बिल्कुल इसी तरह से फिर से आ गया. लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि प्लस इस सरफेस पर है, यहाँ पर प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो मुझे फ्लक्स कहाँ मिल सकता है, इस पर मिल सकता है, क्योंकि एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0 डिग्री. अगर इसकी मैं बात करूं, वहां से ऑब्जर्व करूं, तो एरिया भी उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एंगल कितना 0 डिग्री, तो वहां पर फ्लक्स मिलेगा. लेकिन कर्व सरफेस की मैं बात करूं तो इस पर नहीं मिल सकता, क्योंकि इसे मैं ऑब्जर्व करने जाऊं तो इसकी एरिया यहां, अगर यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो एरिया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है. थीटा कितना बन गया, 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर दोनों सरफेस पर हमें फ्लक्स मिल रहा है, इस साइड भी मिल रहा है फ्लक्स और इस साइड भी. डायग्राम में अगर आपको रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है बच्चा, इस तरफ, और इसकी एरिया इधर और इधर. लेकिन इसके लिए एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड खैर इस तरफ है, तो एंगल कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री. यहाँ 0 और यहाँ पे भी कितना, 0. दो फ्लक्स मिलता है हमें, दो फ्लक्स. इसीलिए यहाँ पर लिखा गया E.dA + E.dA इज इक्वल टू सिग्मा की ओपन अप्सला नॉट. अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सर्फेस पर है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सर्फेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है Q/A. क्यू को सब्जेक्ट बनाया तो σ×A, बिल्कुल इसी की तरह. तो अब ये डॉट को हटाओगे तो थीटा 0 आएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और इंटीग्रेशन डीए का आंसर ए हो जाएगा. इसलिए ईए प्लस ईए कितना हो गया, बेसिकली 2ea एंड देन σ×A/ε0. तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, σ×2ε0. यहाँ पर स्माइली मारा और लिखा है नोट द वन इक्वेशन. दिस इज द ओनली इक्वेशन इन फिजिक्स सो फार
कि जो इससे मैटर नहीं करता, डिस्टेंस से मैटर नहीं करता। देखिए उसके इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है। तो अगर आपके पास एक में एक चार्ज प्लेट है और उस चार्ज प्लेट से आपको पूछा जाए कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, तो बताओ 6 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, राइट। ओके, तो गॉस एप्लीकेशन के अंदर अब हम देखेंगे कि गॉस एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट, यानी इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में एक स्फेरिकल सेल है, सेल मतलब जैसे कि आप एक प्लास्टिक की बॉल समझ लीजिए, उसके पास सिर्फ सरफेस होगा एंड यू कांट प्लेस द चार्ज इनसाइड, तो ऐसे सिचुएशन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बच्चा ये क्विक व्यू है, अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। क्विक व्यू में भी आपको डिटेल ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, फील करो खाली। तो ये यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रखा और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने यूज़ किया? जस्ट बिकॉज इसके पास में सरफेस है। सो वी ऑल नो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यहाँ से क्यू को सब्जेक्ट किया तो सिग्मा इंटू ए, यानी इसके सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो मुझे मिल गया क्यू टी, इट इज क्यू टी, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस, सिग्मा 4πr². अब इसमें दो केस बनता है, केस नंबर वन अगर मैं इसके इनसाइड की बात करूँ तो क्या, और केस नंबर टू अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो क्या। तो अब अगर मैंने इनसाइड में देखा, इनसाइड मान लिया कि वो सेंटर से जो डिस्टेंस है r, दैट इज r लेस देन r, तो अंदर तो इतने डिपार्टमेंट में ये जो गाउसन सरफेस है इसके अंदर तो कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल कहाँ पर है, सरफेस पे। तो सिग्मा क्यू जीरो हो गया, इसलिए इनसाइड का जीरो हो गया। या आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि अगर इनसाइड हम कभी भी चार्ज पार्टिकल इनसाइड ऑफ सेल जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। अब अगर मैं बात करूँ केस टू की, तो केस टू में मैंने यही वाला जो रीज़न है वो मैंने बाहर की तरफ कंसिडर किया। देखिए ऐसे ये मेन रेडियस था इसके जैसा, और अब हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो r, विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, और फिर मैंने एक क्लोज गाउसन सरफेस इमेजिन करा। या आप जो देख रहे हैं इस क्लोज गाउसन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज होगा जितना किस पर होगा, और वो चार्ज हमारे पास कितना है, दैट इज सिग्मा 4πr². नाउ इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ गाउस, तो देन वी कैन फाइंड E.dA, और ये आता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट को हटाते ही थीटा कॉस थीटा, और आप अगर यहाँ कहीं पर से भी इस सरफेस को ऑब्जर्व करो तो एरिया और रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो एंगल जीरो बनेगा, तो ई तो बाहर आ जाएगा और डीए का जो आंसर है वो 4πr², दैट इज एरिया। ध्यान ये रखना है कि जो गाउसन सरफेस का रेडियस है वही रेडियस में आपको एरिया लेना है, दैट इज 4πr², और ये जो सिग्मा क्यू है वो इसके अंदर का टोटल चार्ज, तो इसके अंदर का टोटल चार्ज इतना होगा, और वो हमारे पास में कितना था, सिग्मा 4πr², ये मैंने रखा। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा सिग्मा r² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r². तो ये आउटसाइड के लिए है जब r ग्रेटर देन कैपिटल R है। कुछ और इसमें हम एडवांस कर सकते हैं कि अगर मैं सिग्मा के जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दूं, दैट इज क्यू अपॉन एरिया 4πr का स्क्वायर, क्यू अपॉन 4πr², तो यू कैन सी r² से r² कट गया, और वह 4πε0 क्या बन जाता है, 4πε0 के बन जाता है। तो यहाँ पर स्माइली मारा है, मतलब ये तो पहले जैसा हो गया KQ/r², तो ये बड़ा आसान है याद करना, इनसाइड जीरो और आउटसाइड KQ/r². स्फेयर की मैं बात करूँ बच्चा, सॉलिड स्फेयर की, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ करा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया, क्योंकि ये तो स्फेयर है ना, वो भी सॉलिड स्फेयर है, सरफेस नहीं है, इसके पास पूरा का पूरा वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या यूज करना होता है, रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो सिग्मा होता है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, दैट इज लैम्ब्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू को सब्जेक्ट करा तो ये आया रो 4/3πr³, जो कि टोटल चार्ज हो गया इस स्फीयर का। केस वन है आर लेस देन आर। अब देखो चार्ज पार्टिकल पूरे बॉडी में है, लेकिन अगर मैं R लेस देन R की बात करूं, मतलब कि अंदर एक गाउसन सरफेस इमेजिन करूं, तो उस गाउसन सरफेस में उतना चार्ज नहीं होगा जितना कि पूरे सॉलिड स्फीयर में, क्योंकि पूरा चार्ज कैपिटल R के लिए है,
स्मॉल आर के लिए चार्ज कुछ और होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसका जो चार्ज है वो क्यू डैश है, लिखा भी है कि क्यू डैश विल बी द चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। तो वो चार्ज हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी कैसी टर्म्स होती है? कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी फिर से यूज किया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज चेंज हुआ, क्यू डैश हो गया उत्तर डिपार्टमेंट का और वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का जो कि शेडेड है वहां पे आर क्यूब है। क्यू डैश सब्जेक्ट कर लो, आ गया। जैसे ही आपको चार्ज मिल गया, नाउ यू कैन यूज गॉस लॉ व्हिच इज व्हाट, ई डॉट डी ए, और डी ए क्या होगा? एरिया, एरिया किसका? आपका, मेरा नहीं, जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं उसका, और इसके लिए रेडियस कितनी है? आर है। तो ये देखिए 4πr², और फिर सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू मतलब टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज आएगा क्यू डैश। कन्फ्यूजन मत, कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ये डिपार्टमेंट का चार्ज ये है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आप कट करिए तो आंसर आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को देख के हमें ये पता चलता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि अगर हम हमारा डिस्टेंस सेंटर से बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि अगर एक स्फीयर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सरफेस पे। क्योंकि अगर मैंने इसको अगर एक चार्ज रखा तो वो चार्ज कहीं भी घूम सकता है, बट जैसे इसके अंदर दो चार्ज रखा तो ये तुरंत रिपेल करके कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे। और अगर यहाँ और चार्ज रख दूँ तो सारे चार्ज की पॉसिबिलिटीज कहाँ हो गई? सरफेस पे। ऐसा नहीं है कि इनसाइड चार्ज जीरो है, नहीं, चार्ज यहाँ पर है, लेकिन अगर 100 में से 3 या 4 सेंटर पे हैं तो बाकी की पॉसिबिलिटी सरफेस पर है। और अगर मैं अपना डिस्टेंस सेंटर से इंक्रीज करके सरफेस पे आने की कोशिश करूँ, सो दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग माई डिस्टेंस एंड आई एम कमिंग टू दैट जोन जहाँ पे चार्ज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम हमारे डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे तो हम उस जोन में जा रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे चार्ज होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि चार्ज रिपेल करके एक दूसरे से दूर बैठ के सरफेस पे बैठे हुए हैं, इसीलिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। आउटसाइड की मैं अगर बात करूं, मतलब कि अब मेरा आर ग्रेटर देन आर है, मतलब अब आप बाहर निकल गए, ये देखिए ये आर यहां पर आ गया, अब ये इसको आपने इस तरह से क्लोज कर दिया, तो इसके अंदर चार्ज उतना ही होगा जितना कि इस पर है, और इस पे तो चार्ज इसके बराबर है। फॉर्मूला लगा दिया और इस सिग्मा क्यू के जगह पर आपने ये रख दिया टोटल चार्ज, डॉट को हटाया 4πr² और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा तो रो आर क्यूब अपॉन 3r² εr₀। ये इक्वेशन कहता है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग योर डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है 1/r² यानी रेडियस, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि आप अपना जो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं सेंटर से, बढ़ाते बढ़ाते आप सरफेस पर आएंगे, सरफेस पे चार्ज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। यानी अगर हम इसे ग्राफ से समझें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है सॉलिड स्फीयर का। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, कहाँ तक इंक्रीज होता है? जब तक r = R नहीं हो जाता, जब तक r = R नहीं हो जाता। और जैसे ही मैं इसको एक्सीड करता हूँ, मतलब कि मैं उस स्फीयर के बाहर चला गया, तो अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है इस फॉर्मूले के बेसिस पर। पहले प्रोपोर्शनल में था, प्रोपोर्शनल में ई प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस बेसिस पर है, बाद में वो डिक्रीज होता है। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं स्फेरिकल सेल का, तो स्फेरिकल सेल के अंदर तो स्टार्टिंग में जीरो रहता है। कहां से कहां तक जीरो रहता है? जीरो डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से लेके सरफेस तक कोई मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल सरफेस पे है। दैट मीन्स जब तक r = R नहीं हो जाता, तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और जैसे ही सरफेस पर मैं पहुँचता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर मैक्सिमम रहती है, और फिर उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे फिर से वो डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर आउटसाइड का फॉर्मूला देखिए तो 1/r² है। सो बच्चा पार्टी, भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर। उसी तरह से अगर आपने लवजी के ये 3 वीडियोस को अच्छे से देख लिया ना, कसम खुदा की पगला जाओगे। कहने का मतलब है कि यार आपने ये थोड़ा सा टाइम दे दिया तो ये 3 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 1 है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ, और न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसका रीज़न है कि हमने सारे टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल ऐड किया है, इसीलिए वीडियो का लेंथ 3 गुना बढ़ गया है। आप पहले देखेंगे इस चैनल पे वीडियो जो है वो 15-20 मिनट के बीच में, क्योंकि मैं उसमें एक एक टॉपिक लेता था। अब पूरा का पूरा चैप्टर ही, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 वीडियो लेक्चर में फिनिश हुआ है। लेंथ वही है, बस इंक्रीज कर दिया गया है।
तो आप ये वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करो यार, ये उन बच्चों तक पहुँचाओ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। हैशटैग कोचिंग फॉर इंडिया ये मेरा टारगेट है और लोग इसमें जुड़े, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। अगर एन्जॉय करा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माइंड।